दुर्ग जिले में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विगत दिनों भी ऐसे ही ठगी के दो मामले सामने आए हैं, जिसमें रिटायर्ड बीएसपी अफसर और सरकारी डॉक्टर से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई। बता दें कि सुपेला थाना अंतर्गत रिटायर्ड बीएसपी अफसर से कुछ लोगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। तो वहीं भिलाई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर लीपी चक्रवर्ती के साथ भी ऐसी ही धोखाधड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर डॉक्टर लीपी चक्रवर्ती क्रिप्टो करेंसी हादसे में आ गई के कहने पर उन्होंने खातों में अलग अलग माध्यम से 58,43,900 रुपए की रकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन समय बीतने के बाद भी दोनों को ही पैसे वापस नहीं मिले, जिसके बाद परेशान होकर साइबर ठगी का शिकार हुए पीड़ितों ने पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करवाई। वहीं अब दोनों ही मामलों में पुलिस ने धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। जो साइबर फ्रॉड में पिछले 2 दिनों में अपराध आए हैं, उसमें एक जो चंदूलाल चंद्राकर में एक डॉक्टर लेडी हैं, उनकी तरफ से एक शिकायत आई हुई है कि उनके ऑनलाइन उनसे बातचीत करके क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कराने के नाम पे, ट्रेडिंग के नाम पे उनसे पैसा लिया गया और करीब 58 लाख रुपए का उन्होंने उसमें निवेश किया। और जब पैसा निकालने की बात आई तो पैसा निकलना नहीं हुआ और निकालने के लिए और पैसे डिमांड किए गए कि इतना आप टैक्स के नाम पे पहले जमा करो तो होगा। तो उन्होंने डाउट होने के पश्चात करीब 8-10 दिन में उन्होंने उतना पैसा निवेश किया। उसके पश्चात उन्होंने आके सेक्टर 6 थाने में अपना अपराध दर्ज कराया। उस पर अपराध दर्ज करके विवेचना जारी है और जल्दी उसमें वाजिब कार्रवाई की जाएगी।